वो बेवकूफी नहीं करती तो आज उसकी नौबत ही नहीं आती। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है मैं यहाँ बस आपकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ हूँ। फिया ये क्या तरीका है? सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, इस घर में इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत और हक किसी का नहीं है। फिया ये पिया को क्या हो गया अंश? इस तरह बदतमीजी से तो कभी बात नहीं करती वो। अंश बेटा, पिया तुझसे नाराज है क्या? कुछ हुआ है? तुम लोग का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? और अगर हुआ भी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने संस्कार भूल जाए। मुझे भी लगता है कि बात तो जरूर कुछ है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिया का वर्ताव बहुत बहुत अलग है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है वो। भैया पहले का तो समझ में आता है, अभी मोना के कंट्रोल में थी और ये बात पिया को पता थी, लेकिन लेकिन अब भाभी के साथ पिया ऐसा क्यों कर रही है? इसकी भी एक वजह है। हम सबने ये तो देखा कि पिया क्या कर रही है, लेकिन हमें से किसी ने नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हमें अपने परिवार को, अपने अंश को बुरी नजर से बचाने के लिए दैविक की जरूरत थी, तो हम पिया को बहू बनाकर इस घर में लेकर आए। उस दिन से लेकर आज तक पिया ने हमको खतरे से बचा कर रखा, बिना किसी शिकायत के, बिना कभी जिताए। हम सब मुश्किलों में इस तरह उलझ गए कि हमें भूल ही गए कि पिया भी एक इंसान है, उसके भी अपने सपने होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ जरूरतें होंगी। लेकिन जब से वो इस घर में बहू बनकर आई है, कभी रायन, कभी चुड़ैल, कभी चलायन, कभी भैंसासुर, उस इन्हीं सब में उलझ के रह गई। और तो और, अब उसे हमारे साथ साथ मुन्ने को भी रोज किसी खतरे से बचाकर रखना पड़ता है। क्या उसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता? कभी किसी बात का बुरा नहीं लग सकता? अगर हम सबको गुस्सा करने का हक है तो क्या पिया को नहीं? आखिर वो भी तो एक इंसान है। अभी ठीक कह रही है, हम लोग पिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। हाँ चेताली, तुम ठीक कह रही हो, पिया को भी हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। आज तक पिया हमारे पूरे परिवार के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी रही, लेकिन आज हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि हम सब भी उसके साथ हैं, उसे समझते हैं, वो अकेली नहीं है। हाँ बेटा, तू जा और जाके पिया को संभाल। कुछ पता चला पापा? मैं कोशिश कर रहा हूँ गुड़िया, अब तक इतना ही पता चल पाया है कि डायन किसी इंसान की एनर्जी को उसके शरीर से बाहर निकालकर कहीं छुपा सकती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो उसे छुपा कर रखती कहाँ है। वैसे गुड़िया तुमने अंश से बात की? मुझे लगता है हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं पापा, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, अगर मोहना को पता चल गया तो माँ की जान चली जाएगी। जब तक हमें माँ की आत्मा को मोहना के हाथों से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मुझे मोहना के इशारों पे चलना होगा और अपने और अंश के बीच इतनी दूरियां लानी होगी कि हमारा रिश्ता टूट जाए। कुछ नहीं होगा गुड़िया, ओके? हम रीवा वंशी हैं, रीवा वंशी कभी हार नहीं मानते। जी पापा।
मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, तब तक तुम खुद को संभालो। जो कहा उस बात से नाराज होकर लड़ने आया है, ठीक है, आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। बोलो क्या बोलना है। सॉरी, मुझे एहसास हुआ कि आज तक तुमने जो भी किया है या तो मेरे लिए किया है या मेरे परिवार के लिए, और आज जब पहली बार तुमने अपने लिए कुछ मांगा, मुझे नाराज होने का कोई हक नहीं है, सिर्फ मनाने का हक है। अगर तुम मुझसे या माँ से नाराज हो तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। एक परिवार हर वजह और हर इमोशन समझता है। माँ की दवाइयां है और मैं जानता हूं अगर ये दवाई तुम माँ को दोगी तो माँ भी खुश होगी और तुम भी। मैंने तुम्हें ये करने को तो नहीं कहा था बहुरानी। मोहना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो कैसा है पिया, अब तक तो अंश को तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी यही हो और अंश भी तुमसे प्यार से बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझसे डरना बंद कर दिया या चुटकी से प्यार करना बंद कर दिया? मैं डर के आगे नहीं झुकी मोहना, प्यार के आगे झुकी हूँ। माँ की जिंदगी के लिए मैं अंश की नफरत झेलने को तैयार हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी मोहना, लेकिन पता नहीं अंश ने वो सब बातें क्यों की। मैं बस इतना जानती हूँ तुम अब भी इस घर में हो और तुम्हें सबक सिखाने का बस एक ही रास्ता है। जानती हो ना ये क्या है, इसमें छुट्टी की जान है। बस थोड़ी सी उसके अंदर छोड़ दी है ताकि सांसें चलती रहे, बाकी सारी की सारी इस प्राण प्याले में है। अगर ये टूटा तो छुट्टी की सांसें भी टूट जाएंगी।